जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली सुअरों का जोरदार आतंक है। नगर से सटे गांव से लेकर दूरस्थ ग्रामीण गांव तक सुअर फसल और सब्जियों को बर्बाद कर किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, जिससे किसानों की खेती खराब हो रही है। रात के समय सुअरों का झुंड खेतों में घुसकर फसल और सब्जियों को चौपट कर देता है, जिस वजह से बेबस किसान यहां से पलायन करके शहर की ओर निकल रहे हैं। यहां पर जंगली सुअरों का आतंक चल रहा है, जिससे खेत में पूरी सब्जियां नष्ट कर जा रहे हैं और फसल भी नष्ट हो रही है। मक्के खाके जा रहे हैं, जो यहाँ पर नई नई फसल है, अदरक हल्दी सब जड़ से उखाड़ के फेंक गए हैं, पूरा फसल चौपट कर गए हैं। इनके खौफ से ग्रामीण भी परेशान हैं। उधर मुख्य कृषि अधिकारी बीपी मौर्य का कहना है कि जिले के किसानों को समय समय पर सुअरों से फसलों के बचाव के लिए प्रेरित किया जाता है। लगभग 47,218 हेक्टेयर में पूरी खेती होती है रवि खरीफ मिला के। अब जैसे सुअर बंदर का आतंक तो है ही जिले में, क्योंकि जहाँ भी हम लोग जिन भी गोष्ठियों में जैसे DDC में जाते हैं, कोई अन्य बैठकों में जाते हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में अपने निरीक्षण में जाते हैं, उसमें भी तमाम शिकायतें आती हैं कि सुअर ने नुकसान कर दिया, बंदर ने नुकसान कर दिया। हालांकि नुकसान ज़्यादा है, नुकसान वहाँ पर सुअरों का ज़्यादा है जहाँ पर जंगली जंगल के किनारे जो गाँव है वहाँ पर ज़्यादा ही नुकसान है। अब उनको किसानों को बताया भी जाता है कि भाई देखिए, या तो आप बाय फेंसिंग करिए, जैसे यहाँ पे घिंघारू रामबास इस तरह बहुतायत में होता है, तो इसके बाय फेंसिंग करने के लिए भी बताया जाता है कि खेत के किनारे किनारे आप लोग ये चीज लगाइए तो उससे बचाव हो सकता है। हालांकि कृषि विभाग लोगों को सुअरों से फसलों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय बताकर उन्हें हल्दी अदरक आदि की खेती के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे पहाड़ों में हो रहे पलायन को रोका जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।